दोस्तों आजकल के टाइम में जो युवा पीढ़ी है ना, उसको ये सट्टेबाजी की लत बिल्कुल अंधकार में उनका भविष्य डाल रही है। दोस्तों हमारी आज की युवा पीढ़ी तुरंत अमीर बनना चाहती है, और वो भी बिना कुछ किए धरे। ऐसे में युवा कहीं ना कहीं स्वयं को किसी न किसी तरीके से अपराध की दुनिया में धकेलना शुरू कर देता है, और यह अपराध की दुनिया उस व्यक्ति को कहीं का भी नहीं छोड़ती, उसे बर्बाद कर देती है। दोस्तों बिना मेहनत के धन कमाने के लिए वह या तो चोरी करता है अथवा डकैती, लूटपाट या अवैध काम भी करता है। यहाँ तक कि बहुत बार तो तकनीक का गलत इस्तेमाल कर वह धन कमाना चाहता है। दोस्तों देश के विभिन्न हिस्सों में यह धंधा लगातार जोर पकड़ रहा है, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी इसमें ज्यादा लिप्त नजर आ रही है। आज आप जिधर भी नजर दौड़ाएं उधर ऑनलाइन सट्टेबाजी फैलती दिख रही है, जो बहुत ही चिंता की बात है। और ऐसा भी नहीं है कि पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन पुलिस में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, बेईमानी के चलते ऐसा संभव हो पा रहा है। सच तो यह है कि आज युवाओं की जरूरतें बढ़ती जा रही है, और वह उनको पूरा करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने लगे हैं जो उन्हें लगातार गलत कामों में धकेल रहे हैं। हमारे युवा फैंटेसी ऐप के चक्कर में फंसकर अपना टाइम, पैसा, सब कुछ लुटा रहे हैं। और दोस्तों ऐसे ऐप्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और पिछले कुछ सालों में इनकी बाढ़ सी आ गई है। एक ही दिन में हजारों करोड़ों लोग इन ऐप्स पे अलग अलग टीमें बनाते हैं, और करोड़पति बनने के लालच में जमकर पैसे लगाते हैं। हालांकि इन गेम पे कड़े नियम बनाने की बात तो चल रही है, लेकिन अब भी इस मामले में कुछ विशेष हो नहीं पाया है, क्योंकि अभी IPL का टाइम चल रहा है और बहुत सारे मैचेस में लीग चल रहे हैं, तो इसमें से इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें, बेवजह की शौक और जल्द अमीर बनने की हसरत का फायदा उठाकर सटेरिए इन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं। दोस्तों आज विभिन्न शहरों में, बाजारों में, अस्पतालों के बाहर, मॉल, पार्कों में, बस स्टैंड, कैब, ऑटो, चाय की थड़ियों, दुकानों, होटल व रेस्टोरेंट में पुलिस यदि पैनी नजर रखे तो उसे कॉपी पेन या फिर दो तीन मोबाइल फोन या लैपटॉप आदि लेकर बातचीत करते वहां खड़े युवा नजर आ जाएंगे। उनकी हरकतों को देखकर पुलिस को सट्टेबाजी का अंदाजा हो जाता है। हैरत की बात यह है कि बड़े शहरों के व्यस्त बाजारों में तो ठेला लगाने वाले, छोटा मोटा काम करने वाले लोग तक सट्टे लगाने में सक्रिय हैं। दोस्तों हम बता दें कि वास्तव में आज फैंटेसी ऐप का बिजनेस कितना बड़ा है, यह इसी बात से साबित हो जाता है कि इन ऐप्स के विज्ञापन में बॉलीवुड से लेकर खेल जगत के वे सितारे शामिल हैं जिनकी विज्ञापन की फीस तक करोड़ों में होती है। फैंटेसी ऐप हर साल स्टार्स की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। आज सिर्फ क्रिकेटर में ही नहीं, पैसों का यह खेल तीन पत्ती, लूडो, बिजनेस और ऐसे ही बाकी दूसरे ऑनलाइन गेम्स में भी चल रहा है। दरअसल ऐसे विभिन्न ऑनलाइन ऐप्स लूप होल्स का फायदा उठाकर करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली बात तो ये है कि इन ऐप्स में आयु की भी कोई सीमा तय नहीं है, और 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी टीम बनाकर ऑनलाइन सट्टा लगा रहे हैं। इसके लिए सख्त नियम बनने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात सिर्फ सट्टे की ही नहीं है, युवा पीढ़ी की है जो गलत राह पे चलकर बर्बादी की ओर बढ़ने लगी है। आज कोई और तो कल हमारे घर का भी कोई सदस्य सट्टेबाजी के इस भंवर जाल में फंस सकता है। आम से लेकर खास तक किसी भी परिवार का युवा इस सूची में शामिल हो सकता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि गलत कमाई का पैसा गलत काम में ही जाता है। शायद इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत भी है, चोरी का माल मोरी में। दोस्तों हम आपको बता दें कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के मुताबिक सट्टेबाजी एक अपराध है। कुछ राज्य सरकारों ने इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को लेकर सख्ती दिखाई है और इन पर बैन का फैसला भी किया है। कुछ समय पहले ही तमिलनाडु ने ऐसे तमाम ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए एक कानून पास भी किया गया है जिसके तहत 3 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है उस आदमी को। यह काबिले तारीफ कदम है तमिलनाडु की तरफ से। तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। राज्य सरकार के साथ ही शासन, प्रशासन व आमजन को भी इन ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम के प्रति गंभीरता, सजगता दिखानी होगी, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था के साथ भी हमारी युवा पीढ़ी को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, उन्हें लगातार गलत काम करने में धकेल रहा है। तो दोस्तों सिर्फ ये कुछ राज्यों से नहीं, पूरे देश में ये चीजें होनी चाहिए। इन ऐप्स पर कड़े नियम बनने चाहिए, और इन ऐप्स में जैसे कि एज भी डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का गेमिंग है। बस इन ऐप्स ने लूप होल का इस्तेमाल करके
सट्टेबाजी को एक गेमिंग का नाम दे दिया है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या है कहना, क्या ये ऐप सच में हमारे भविष्य के लिए सही है या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आने वाले फ्यूचर इससे बर्बाद होने वाला है। आपकी जो भी राय है, जो भी आप कहना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।